दोस्तों, भारत ने एक बार फिर एक जबरदस्त कदम उठा दिया है जिससे उसके दुश्मन देश कांप उठे हैं। एक डिबेट चल रही है दुनिया में और इस बार ये भारत के बेहतरीन हथियारों की वजह से हो रही है। पूरी दुनिया देख रही है जब भारत अपने ऐसे हथियार डेवलप कर रहा है जो दुनिया के सबसे ताकतवर देश को भी टक्कर दे रहे हैं। लेकिन भारत की इस जबरदस्त तरक्की के बीच एक विदेशी बुद्धिजीवी जो जर्मनी का है, उसने अपनी आवाज उठाई है और भारत को अपनी औकात में रहने की सलाह दी है। उनका कहना है कि अगर भारत ऐसे खतरनाक और एडवांस्ड हथियार का परीक्षण करता रहा तो दुनिया उस पर सैंक्शंस लगा सकती है, जिससे भारत को अपने डिफेंस टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करने में मुश्किल हो सकती है। दोस्तों, यह बात ग्लोबल डिबेट का कारण बन गई है। आखिर यह जर्मन बुद्धिजीवी इतना चिंतित क्यों है? ऐसा क्या है भारत के नए डेवलपमेंट्स में जो सबको हिला रहा है? चलिए इस कहानी के पीछे का सच जान लेते हैं। दोस्तों, भारत ने एक रेवोल्यूशनरी वेपन का ऐलान किया है जो पूरी दुनिया के दुश्मनों को डर से कंपा देगी। ये वेपन मिसाइल तो नहीं है, लेकिन इसका हमला एक मिसाइल की तरह ही होगा। इसका असर इतना भयंकर होगा कि दुनिया के सबसे बड़े और मजबूत टारगेट्स भी एक पल में तबाह हो जाएंगे। और इस जबरदस्त वेपन का नाम है अमर। दोस्तों, अमर बम एक नए दौर का प्रदर्शन है। भारत के डिफेंस स्ट्रेटजी में यह बम कटिंग एज एरोडायनामिक्स और एडवांस्ड प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है जो अब तक किसी ने नहीं देखा। लगभग 488 किलो का यह बम मिसाइल जैसे कैपेबिलिटीज रखता है जो लॉन्ग रेंज प्रिसिजन और डिस्ट्रक्शन को कंबाइन करता है। दोस्तों, भारत का अमर बम इनोवेशन और डिटर्मिनेशन का प्रतीक है। यह बम JSR डायनामिक्स के तहत डेवलप हो रहा है, जो एक भारतीय डिफेंस कंपनी है और जो अपने वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग में अपना एक्सपर्टीज प्रूव कर चुकी है। इस बम की एक खासियत यह है कि इसमें एक लंबा 2.4 मीटर का विंग दिया गया है और रियर में एक जेट इंजन लगाया गया है जिससे यह हाई स्पीड और लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सके। दोस्तों, हाई एल्टीट्यूड लॉन्च अमर बम को 11,000 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाएगा, जिससे उसे अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए प्रॉपर मोमेंटम और प्रिसिजन मिलेगी। क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी, इस बम को क्रूज मिसाइल जैसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से बनाया गया है जो इसे लॉन्ग रेंज टारगेट्स पर एग्जैक्टली हिट करने की शक्ति देता है। मासिव डिस्ट्रक्शन, यह बम एक भारी 488 किलो पेलोड के साथ अपने एक्सप्लोजन से दुश्मन के लार्ज मिलिट्री बेसिस और स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस को एक बार में कंप्लीटली तबाह करने में केपेबल है। दोस्तों, अमर बम का ऐलान होने के बाद दुनिया भर में हलचल मच गई है। फॉरेन इंटेलेक्चुअल्स और स्ट्रेटेजिस्ट्स खासकर जर्मनी जैसे देशों में अपनी चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं। पर क्यों इसका जवाब है इस बम की पोटेंशियल जो पावर का बैलेंस बदल सकता है? दोस्तों, भारत जो पहले दूसरे देशों पर अपनी डिफेंस नीड्स के लिए निर्भर था, आज एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभर रहा है। यह तेजी से हो रहा बदलाव कई देशों को डिस्टर्ब कर रहा है जो अपनी डोमिनेंस को लेकर काफी कॉन्फिडेंट थे। अमर बम की कैपेबिलिटीज जो अब तक किसी ने नहीं देखी, ये सब देश उनके लिए खतरा बन गई है। दोस्तों, एक जर्मन बुद्धिजीवी जो भारत की प्रगति को डाइजेस्ट नहीं कर पाया ने वार्न किया है कि अगर ऐसे वेपन्स का टेस्टिंग चलता रहा तो इंटरनेशनल सैंक्शंस लग सकते हैं। उसने कहा कि भारत का फोकस डिस्ट्रक्टिव वेपन्स बनाने पर है जो इसे अपने आर्म्स एक्सपोर्ट्स में मुश्किल में डाल सकते हैं। उसने यह भी कहा कि भारत अपने वेपन्स टेस्ट से दुनिया को डरा रहा है। लेकिन दोस्तों, थोड़ा रुककर सोचिए, क्या यह नहीं है आयरॉनिक कि वही देश जो भारत की तरक्की पर चिंता जता रहे हैं, उनके पास खुद ऐसे ही या उससे भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वेपन्स मौजूद हैं। सच ये है कि भारत का अमर बम उन सभी वेपन्स से कई गुना ज्यादा एडवांस्ड और पावरफुल है, इसीलिए वे सब इतने परेशान हो रहे हैं। दोस्तों, अमर बम सिर्फ एक वेपन नहीं है, यह भारत के सेल्फ रिलायंस की कहानी है। कुछ ही दशकों पहले भारत अपनी मिलिट्री की जरूरतों के लिए पूरी तरह से विदेशी देशों पर निर्भर था। आज भारत अपने ऐसे वेपन्स डेवलप कर रहा है जो दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के वेपन्स को भी पीछे छोड़ देते हैं। दोस्तों, यह ट्रांसफॉर्मेशन जैसा डायनामिक्स जैसी कंपनियों की वजह से संभव हो पाया है जो भारत की डिफेंस इनोवेशन में आगे बढ़ रही है। JSR डायनामिक्स गाइडेड बॉम्ब्स, रेंज एक्सटेंशन किट्स, क्रूज मिसाइल्स और लॉयटरिंग म्यूनिशंस का प्रोडक्शन करती है। अब यह कंपनी अपनी एक्सपर्टाइज को कंबाइन कर रही है
और अमरबम जैसे वेपन्स को डेवलप कर रही है जो मॉडर्न वॉरफेयर को नए दौर में ले जाएंगे। दोस्तों, अमरबम एक गेम चेंजर है। इसकी क्रूज मिसाइल जैसे टेक्नोलॉजी से ये लॉन्ग रेंज प्रिसिजन स्ट्राइक करने में केपेबल है, लेकिन जो बात इसे अलग बनाती है वह है इसका भयंकर डिस्ट्रक्टिव पावर। दोस्तों, लॉन्ग रेंज प्रिसिजन बम लॉन्ग डिस्टेंस तक एक्यूरेटली अपने टारगेट को हिट करने में केपेबल है। डेवस्टेटिंग इम्पैक्ट इसका पेलोड इतना ज्यादा है कि यह दुश्मन के सबसे मजबूत मिलिट्री बेसिस को भी एक ही स्ट्राइक में तबाह कर सकता है। दोस्तों, वर्साटाइल डिजाइन जेट इंजन और लंबा विंग डिजाइन इस बम को हर टाइप के कॉम्बैट सिनारियो के लिए एडेप्टेबल बनाता है, जिससे भारत के आर्सेनल में यह एक वर्साटाइल एडिशन है। दोस्तों, अमर बम पर दुनिया भर की रिएक्शंस मिक्स्ड हैं। कुछ देश परेशान हैं तो कुछ चुपके से भारत की ताकत को समझ रहे हैं। भारत के लिए यह सिर्फ वेपन्स बनाना नहीं है, यह अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है और अपने दुश्मनों को यह दिखाना है कि अब उनको भारत के खिलाफ सोचने से पहले हजार बार सोचना पड़ेगा। दोस्तों, जब भारत ऐसे एडवांस्ड वेपन्स का टेस्टिंग करता है तो यह एक क्लियर मैसेज भेजता है। भारत को अब अंडरएस्टिमेट नहीं किया जा सकता। हर नए इनोवेशन के साथ भारत अपनी ताकत को साबित कर रहा है और अपने आप को एक ग्लोबल सुपर पावर के रूप में स्थापित कर रहा है। दोस्तों, अमर बम सिर्फ एक वेपन नहीं है, यह भारत के रेजिलियंस, इनोवेशन और सॉवरेंटी को प्रोटेक्ट करने की डिटर्मिनेशन का प्रतीक है। फॉरेन इंटेलेक्चुअल्स के क्रिटिसिज्म और वार्निंग्स के बावजूद भारत अपने कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में स्टेडफास्ट है। दोस्तों, भारत के लिए अमर बम सिर्फ एक वेपन नहीं है, यह एक पूरी नई दिशा में कदम बढ़ाने का प्रतीक है। यह एक संकेत है कि भारत अब अपनी सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहता। हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ दशकों में भारत ने अपनी मिलिट्री नीड्स के लिए विदेशों पर पूरी तरह से निर्भर किया था, लेकिन अब वह दिन बदल चुके हैं। अब भारत दुनिया को यह दिखा रहा है कि वह अपने रक्षा क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन चुका है और दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकता है। दोस्तों, भारत के इस कदम से दुनिया के लिए एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। जब भारत जैसे विकासशील देश अपने ऐसे हथियारों का परीक्षण करते हैं तो यह अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन को बदल सकता है। यह केवल एक बम नहीं है, बल्कि यह दुनिया को एक संदेश भेजने का तरीका है कि अब भारत किसी के दबाव में नहीं आने वाला। और यह संदेश विशेष रूप से उन देशों के लिए है जो भारत की प्रगति को एक खतरे के रूप में देख रहे हैं। भारत का अमर बम उसकी स्वायत्तता, उसकी ताकत और उसकी इच्छा को दर्शाता है कि वह किसी भी कीमत पर अपनी सुरक्षा और सम्मान को प्राथमिकता देगा। दोस्तों, हम सभी को अपने देश की सफलता पर गर्व होना चाहिए और भारत के डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत बनाने में उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे अपडेट्स आपको मिलते रहें। जय